Hello guys, and welcome to my channel. तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नई टाइमलाइन से, और आज मैं आपको दिखाऊंगा 4 दिसंबर की पीपीआर टाइमलाइन, जिसके अंदर पीटीई का स्कोर्स हैं और नॉन एसटीएस का भी हैं। चलो पहली फाइल देखते हैं। इन्होंने अपना अप्लाई किया था 1 अक्टूबर को, 5 नवंबर को उनके पास अपडेट हो गए थे मेडिकल, और इनका बायोमेट्रिक्स 9 नवंबर को हुए थे, और उनका 4 दिसंबर को पीपीआर आ गया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो नेक्स्ट फाइल देखते हैं। इन्होंने अपना अप्लाई किया था 16 दिसंबर को, इनका कमीशन सबमिशन कन्फर्मेशन आ गया था 16 सितंबर को, सेम दिन ही बायोमेट्रिक कलेक्शन का अगले दिन आ गया था, और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनके पास आ गया था दिसंबर 2 को, ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी इनके पास दिसंबर 4 को। तो ये वाली फाइल देखते हैं। ये भी 1 अक्टूबर की फाइल है, जिसके अंदर इन्होंने 5 नवंबर को मेडिकल अपडेट हो गए थे, और उनके पास सेम दिन 4 दिसंबर को पीपीआर आ गया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये वाला केस देखते हैं, ये एसडीएस का ट्रिगर केस है। इन्होंने लॉन्च किया था 22 सितंबर को, बायोमेट्रिक 18 अक्टूबर को, मेडिकल अपडेट हो गया 15 जुलाई को, और इन्होंने पीपीआर आ गया था 5 दिसंबर को। चलो नेक्स्ट फाइल देखते हैं। ये पीटी की फाइल है, जिसके अंदर इनके पास 63 विद नॉट लेस देन 58 था। इन्होंने अप्लाई किया सितंबर 23 को, सेम दिन कन्फर्मेशन आ गई थी, बायोमेट्रिक लेटर इनके पास सितंबर 24 को, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर दिसंबर 4 को, और सेम दिन इनके पास ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ गई थी। चलो नेक्स्ट फाइल देखते हैं। ये रिप्लाइड केस है। इन्होंने अप्लाई किया था अक्टूबर 12 को, सेम दिन कन्फर्मेशन आ गई थी, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इनके पास दिसंबर 4 को आया था, और सेम दिन इनके पास आ गया था ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो नेक्स्ट फाइल देखते हैं। ये भी रीअप्लाइड केस है। इन्होंने लॉन्च किया था 6 जून 2020 को, पेंडेमिक जब स्टार्ट बीच में था तब का, उनका बायोमेट्रिक्स 2021 को जून 21 को हुआ, और उनके पास पीपीआर आ गया था 4 दिसंबर को। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, क्योंकि कल सैटरडे था इसलिए कम पीपीआर आई थी, और आज भी कम आई क्योंकि आज संडे है। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपका अपडेट चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।